अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। सामने इस टाइम स्क्रीन पे जो बंदा आपको नज़र आ रहा है, ये कौन है? ये बंदा पाकिस्तान में कोका कोला को ख़त्म करने की मुहिम पे निकला हुआ है। अब तक की जितनी वीडियोस भी इसकी मैंने देखी हैं, बस यही मैंने पाया है कि इसको जहाँ पे कोक नज़र आती है, ये बंदा पागल हो जाता है। ये बंदा कोक की बोतल देखते ही अपने कपड़े फाड़ देता है, आपे से बाहर हो जाता है, उल्टी सीधी छलांगे लगाने लग जाता है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा तो ये थोड़ी सी वीडियो देखें आप। मैं तेनू चाहुंदा हां, ए विंदा चाहुंदी हां, फासले पाए तू भुल्ले शाने कंगरू बन के रुसया यार मनाया भुल्ले शाने कंगरू स्किन थैया थैया स्किन थैया थैया मेरा बस सवाल इस बंदे से ये है कि ये ऐसा क्यों करता है? कोका कोला ने आखिर इसका क्या बिगाड़ा है और इसकी माँ ने इसका क्या बिगाड़ा है जिसका ये बहुत बुरा हाल करता है हर वीडियो में? और लोग इसे पागल खाने क्यों नहीं भेजते जब ये हर आने जाने वाले से कोका कोला छीन कर और ज़ाया करता है? उसके अलावा बच्चों से भी छीन लेता है, अपनी माँ को भी बहुत ज़्यादा जलील और तंग करता है, तो लोग इसको पागल खाने क्यों नहीं भेजते? लास्ट में मेरी आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि अगर आपके घर में फ्रिज में कोका कोला की बोतलें पड़ी हुई हैं तो उसे उन बोतलों को जल्दी ठिकाने लगा दें। ये ना हो कि ये बंदा सूंघते सूंघते आपके घर तक पहुंच जाए और फिर इसी तरह तोड़ फोड़ मचाए और फिर कोका कोला की बोतलों से नहाए, तो इससे पहले ही फिर कोका कोला की बॉटल्स को जो है आप लोग ठिकाने लगा दें। अच्छा जी, लास्ट में मैं जो क्लिप लगा रही हूँ अपनी बहुत ही प्यारी सी, मेरी एक सब्सक्राइबर है उनकी फरमाइश पे लगा रही हूँ। सोनिया को अक्सर हम लोग टोनिया भी कहते हैं और आपको पता है कि टोनिया क्यों कहा जाता है उसे, उसके वजह टुन होने वाला एक सीन है उसकी, जो कि मैंने बहुत पहले लगाया था। और जिन लोगों ने नहीं देखा, तो अक्सर जब भी मैं उस सीन का जिक्र करती हूँ तो उन लोगों की फरमाइश होती है कि हम फिर से वो सीन देखें, क्योंकि अक्सर लोगों ने नहीं भी देखा। तो आप सब लोगों की फरमाइश पे पेशी खिदमत है सोनिया का टून होने वाला क्लिप। उसकी नाम रखिया पी
सस्ता।